माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के उन सभी तबकों की सेवा के लिए तत्पर है जिन्हें आज भी समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम महिलाओं, विशेष योगीजन, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। माननीय सदन को मदर टेरेसा की पंक्तियाँ याद दिलाना चाहता हूँ। हम में से सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी चीजें अधिक प्रेम से कर सकते हैं। प्लीज सबको अपनाना चाहिए और दिल्ली को समझाओ, दिल्ली को समझाओ, दिल्ली को समझाओ। माननीय तमाम सदस्य कहना चाहूँगा जो प्रतिपक्ष के हैं, प्लीज 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 दिल्ली को समझाओ। प्रेम मोहब्बत से सद्भावना से देश चलता है, नफरत से गुस्से से देश नहीं चला करते हैं। लोकतंत्र में असहमति का भी स्थान होता है, वो देशद्रोही नहीं है, वो आपके देश के नागरिक है। नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा करता हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय वापस पढ़ना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत राजस्थान शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कानून बनाया जाएगा। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरी हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एससी एसटी ओबीसी एमबीसी व ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में एकेडमिक कोर्सेज हेतु तथा कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल्स कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। इसे क्रमशः 5,000 छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होगी। इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग की कॉलेज छात्राओं के लिए छात्रावास चलाए जा रहे हैं। अब इन वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए भी आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके तहत 5,000 छात्र लाभान्वित हो गए। अनुसूचित क्षेत्र सलुम्बर, जाड़ोल, खेरवाड़ा, लसाड़िया, उदयपुर, झारियाबाद, दरियावद, अरनोद, प्रतापगढ़, सागवाड़ा, डूंगरगढ़, डूंगरपुर, गढ़ी, बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। 12 जिले के शहरिया क्षेत्र खुशियारा, कोयला, कवाई व परानिया में शहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक क्रमांकित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सांगानेर, जयपुर, मुंडावर, नारायणपुर, थानागाजी, अलवर, डीग, भरतपुर, पाटन, सीकर, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर स्थित 7 राजकीय अंबेडकर छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 28,50,00,000 रुपये खर्च होंगे। राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अध्ययन की सुविधा हेतु 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ अलवर, ब्लॉक रायसी नगर वनूपगढ़ श्री गंगानगर, ब्लॉक मसूदा अजमेर, फतेहपुर सीकर, चूरू झुंझुनू एवं टोंक में कराए जाएंगे। बनियाना ब्लॉक सांकड़ा, जैसलमेर ब्लॉक रामगढ़ अलवर, उदयपुर में 3 राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिस पर 62 करोड़ रुपये का किया जाएगा। सीकर चौटन, बाड़मेर, पहाड़ी कामा, भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जाएंगे। राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु बाड़मेर 3 तथा अलवर और भरतपुर में 1-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अलवर में 10, अजमेर में 5, जैसलमेर में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी व माइनॉरिटी के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी व माइनॉरिटी के
इंक्लूसिव विकास समावेशी विकास हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कोष की गठन की घोषणा करता हूं। साथ ही ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से उत्थान कोष बनाया जाएगा। डीएनआर योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। साथ ही आगामी वर्ष में एमबीसी के लिए 3 छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश विमुक्त गोमंतु अर्ध गोमंतु समुदाय यथा गाड़ी, लोहार, बंजारा, सांची, बावरी, भाट, नट, मदारी, सपेरा, बहुरूपी इत्यादि के उत्थान हेतु डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत डीएनटीज के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा करता हूँ। इसके पारंपरिक कला उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि से डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर बनाए जाएंगे। जामडोली जयपुर स्थित संस्थान में वृद्धजनों को रखने के लिए क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजकीय वृद्धाश्रम पुष्कर अजमेर की क्षमता 25 वृद्धजनों से बढ़ाकर 50 की जाएगी। राज्य के